भारतीय इतिहास में 13 मार्च 1940 का दिन बड़ी अहमियत रखता है। तब भारत पर ब्रिटेन का शासन था। देश के सैकड़ों हजारों युवा आजादी के लिए जान की बाजी लगा चुके थे। सैकड़ों क्रांतिकारी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने को आतुर थे। ऐसे ही एक आजादी के दीवाने क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का नरसंहार का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार भारत के इतिहास में सबसे भयानक दिनों में से एक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के करीब जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। इस सभा को रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस हमले में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सैकड़ों महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों ने जान बचाने के लिए वहां बने गहरे कुएं में छलांग लगा दी। बचपन में ही माँ बाप को खो चुकी उधम सिंह की परवरिश अनाथालय में हुई थी। इस घटना ने उनके मन में भी गुस्सा भर दिया। पढ़ाई लिखाई के बीच ही वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। जनरल डायर को मारना उनका मकसद बन गया। वह 1934 में लंदन जाकर रहने लगे। रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की 13 मार्च 1940 को लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी। इस बैठक में डायर को भी शामिल होना था। उधम सिंह भी वहां पहुंच गए। जैसे ही डायर भाषण के बाद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा, किताब में छुपी रिवॉल्वर निकालकर उधम सिंह ने उस पर गोलियां बरसा दी। डायर की मौके पर ही मौत हो गई। उधम सिंह पर मुकदमा चला। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।